कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप। नमस्कार, आदाब, इन्वेस्टिगेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से आज की ताजा और अहम खबरों के साथ जलगांव समाज संवाददाता अतिक बागवान की खास रिपोर्ट। जलगांव शहर में नियाज अली फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली में 21 वर्षीय युवती की हत्या के निषेध किया और फांसी की मांग की। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस दल ने नौकरी करने वाली 21 वर्षीय युवती 27 अगस्त देर शाम घर न लौटने पर खोजने पर नहीं मिली। घर वालों को पता चला, चाकू के पास 50 वार कर उसकी हत्या कर सामूहिक बलात्कार भी किया गया। यह बड़े शर्म की बात है कि जहां पुलिस की ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता का क्या? वह अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करे? ऐसा बड़ा सवाल है। नियाज अली भाई फाउंडेशन की तरफ से इस घटना में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा हो। महामहिम राष्ट्रपति साहब, महामहिम प्रथम प्रधान साहब, भारत सरकार ने नई दिल्ली जलगांव जिलाधिकारी द्वारा निवेदन भेजा गया। उस वक्त वहां मौजूद सैयद नियाज अली भैया फाउंडेशन के सैयद अयाज अली, नियाज अली सूरज नारायण गुप्ता, शेख सफ़ी, सैयद जावेद नाजिम पेंटर, शेख जमील, शेख सब्बीर, शेख आसिफ, साकिब, शेख फारूक, शेख नूर मोहम्मद निवेदन देते हुए मौजूद रहे। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। मुंह पे, छाती पे लैटिन की जगह और उसका बलात्कार भी करा गया है। आपके प्रशासन से दिल्ली पुलिस से क्या मांग है अब तक? विजय जी सर, मुझे अन्याय ये चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। विजय सुनीज ने ये मिली कि उन्होंने कहा कि थाने आप आ जाओ, कौन सा वो है ये सूरज कुंड के थाने में आप आ जाओ। ठीक है, हम दोनों लोग यहाँ से गए तो उन्होंने पूछताछ की कि आपकी बीबी बीमार तो नहीं रहती हैं? तो मैं बीमार हमेशा रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई, इनका कोई काम नहीं है, आप जाइए इनको छोड़ के और किसी आदमियों को लेके आइए। फिर उन्होंने यही कहा कि आपकी बेटी का गला काट दिया गया, 25 से 30 चाकू लगे हुए थे कि मतलब जो देख लिया था उसको जाफ आ जा रही थी कि मतलब कोई भी केड़ी से केड़ी बताओ कि क्या कोई भी मारेगा तो इस तरीके से नहीं मारेगा जो मेरी बेटी को घायल और जख्मी किया गया। हमारे भारतीय संस्कृति में औरत को बहुत ही मान सम्मान इज्जत दी गई है। औरत के पैरों की जन्नत है यहाँ तक कहा गया है। मगर बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में कुछ सालों से औरतों के ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़ चुके हैं। कुछ बुरे लोग, कुछ वासनाधंध लोग औरतों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर रहे हैं। अभी तक तो हम आम औरतों के साथ जुल्म होता हुआ देख रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक 21 साल की निर्भया, एक 21 साल की बच्ची जिसे पुलिस दल ज्वाइन करे 4 महीने हुए थे, उसका बलात्कार करके निर्गम हत्या की गई है। हम इसका सैयद नियाज अली भैया फाउंडेशन की जानिब से और इंसानियत की जानिब से एहतजाज और निषेध करते हैं। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति साहब, भारत सरकार और महामहिम पंतप्रधान साहब से ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश है कि वो इन आरोपियों को फांसी की सजा दिलाएं और ऐसे जितने भी बुरे लोग हैं जो औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि केंद्र सरकार आए दिन नए नए बिल पास कर रहे हैं, नए कायदे पास कर रहा है, जैसे कि 3 तलाक हो, 370 ऐसे बहुत से कायदे उन्होंने पास किए। तो हमारी एक ये भी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि वो एक जितने बलात्कार के ताल्लुक से जो शरिया कानून है, जो इस्लामी कानून है, आप देखिए जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर दूसरे अपराध तो होते हैं लेकिन वहाँ बलात्कार बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। इसलिए क्योंकि शरिया कानून ऐसा है कि जो औरत के साथ जुल्म करता है, बलात्कार करता है, उसे फांसी की सजा दी जाती है। तो हमारी आज यही गुजारिश है आज कि जो बलात्कारी लोग हैं इनके ऊपर शरिया कायदा की तरह एक नया कायदा बनाया जाए कि जो औरत के साथ बलात्कार करता है, उसकी हत्या करता है, उसे गुनाह साबित होने पर फांसी की सजा दी जाए। ये बहुत बढ़िया होगा और हम फिर से ऐसे बुरे लोगों का एहतजाज और निषेध करते हैं और हमने राष्ट्रपति साहब से भी यही मांग की हुई है कि लोगों को फांसी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। आनंद मुखवास की जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह, सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ, नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सांस अब आपके पास आनंद मुखवास के साथ, अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।